हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। समीर, उसको मार दिया हमने, उसको मार दिया। बेटे समीर की मौत की खबर के बाद भी जिस सैटेलाइट फोन से इसने आपको फोन किया वो हमारी निगरानी में था। इसकी हर मूवमेंट पर हम पुलिस वालों की नजर थी, जिसकी वजह से आज ये जिंदा आप लोगों के सामने खड़ा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस सारे रैकेट की जड़ वो सिंथिया थी। सिंथिया या फातिमा? फातिमा नूरानी सर। सिंथिया से मेरी दोस्ती चैट रूम में हुई थी। वो मैंने उसे नहीं, एक्चुअली उसने मुझे अप्रोच किया था जनवरी में, करीब 7 महीने पहले। हम लोग रोज चैट करते थे, हर तरह की बातें होती थी। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी, पर उसने मुझे कभी भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया। उसने कहा था कि वो एम कॉम फाइनल ईयर में। उसने तो आज तक मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया। वो कहती थी कि जब हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी कि हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें, तब दूंगी। फिर एक दिन अचानक से उसके मैसेज ही से आने बंद हो गए। मैं बहुत परेशान हो गया था सर। मैं रात भर सो नहीं सका। फिर अचानक एक सुबह क्या है ये सब? कहाँ हो तुम? इसलिए 20 घंटे से गायब हो, और ये क्या भेज रही हो? तस्वीरें देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था सर, लेकिन मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा था कि सिंथिया मुझे सब क्यों भेज रही है। क्यों रुला रही हो? रो तुम नहीं रहे समीर, रो रहे वो हजारों लाखों बच्चे जिनको बम और बारूद से उड़ाया जा रहा है। कौन है ये लोग? किसकी फोटोज भेज रही है मुझे? मैं नहीं जानता इनको। क्या समीर, ये सब तुम्हारे कौम के साथ हो रहा है, तुम्हारी कौम के खिलाफ, और तुम्हें पता नहीं? पर यहाँ अपने देश में इंडिया में तो सब सही है। क्या सही है? कुछ सही नहीं है। साजिश चल रही है कौम को खत्म करने की। पर तुम तो उस कौम से हो भी नहीं, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? इंसानियत समीर, बच्चे औरतें बुजुर्ग मर रहे हैं, पूरी दुनिया में तुम्हारी कौम के खिलाफ जंग हो रही है, तुम्हारी कौम को खत्म करने की साजिश हो रही है, कौम खतरे में है समीर, सोचो, प्लीज थिंक। देखो,
देखो क्या हो रहा है, लोग जाग रहे हैं। इस चैट ग्रुप को देखो, सी कॉम को बचाना होगा, कॉम के दुश्मनों को खत्म करना होगा, कॉम के लोगों पर जुल्म हो रहा है। इस दुनिया में ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दूर से देखने पर सब कुछ सामान्य नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब उन्हें करीब से देखा जाता है तो बात उससे बिल्कुल विपरीत होती है। इंटरनेट की दुनिया, तेज रफ्तार कम्युनिकेशन की दुनिया, जानकारी का सैलाब, लेकिन इसके असंख्य रास्तों में कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहां पर समाज और दुनिया को बर्बाद कर देने वाले मंसूबे साधे जा रहे हैं, जहां पर भयानक दरिंदे कुछ मासूमों के शिकार की ताक में घात लगाए बैठे हैं। समीर की मुलाकात ऐसे ही चंद दरिंदों से इंटरनेट पर हुई, जिसके नतीजे भयानक हुए। प्यार और दोस्ती का नकाब ओढ़े सिंथिया कई हफ्तों तक समीर को कौम और जंग के बारे में अनेकों अनर्गल जानकारियां और तस्वीरें भेजती रही। समीर बौखला गया। कहाँ है तू आजकल? मतलब? मतलब है कि तू बिना बता क्लास से चला गया? अबे तू मेरा बॉस है क्या? जो हर काम तुझे बता के करूंगा। समीर तू पागल हो गया क्या? देख अगर कोई स्ट्रेस है तो मुझे। अरे सबसे बड़ा स्ट्रेस तो तुम लोग हो। हम लोग? लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मैं हूँ यार। देख तू ना अपने काम से काम रख, और तुम लोग ये जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है। हम लोग? सिंथिया की बातों का मुझ पर असर हो रहा था। मैं कॉम और जंग की बातों से इतना बहक गया था कि मैंने अपने कॉम के कुछ स्टूडेंट से कॉलेज में बात की। तू पागल हो गया समीर, कॉम अपनी जगह है, बट वी आर इंडियंस। अभी भी टाइम है, सुधर जा भाई, चल। देख अशरफ, तू है अकेला है ना, और अकेले आदमी को मुंबई में घर नहीं मिलता। अगर तेरी फैमिली होती ना तो मैं चुटकियों में दिलवा देता। तू जानता है बम्बई की हालात, पेपर पढ़ता है कि नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किस पे यकीन करें किस पे नहीं करें, समझता है कि नहीं? तू टेंशन मत ले। ए बाबू चाय ला। हाँ ये ले चाय पी। और समीर ले, तू भी चाय पी ले। और देख झूठी नहीं की मैंने। पर समझने में भूल वो नहीं मैं कर रहा था। तस्वीरें और सिंधिया की बातें सुन सुन के मेरे सर पे तो मानो शैतान सवार हो गया था। हर गैर कौमी मुझे मेरे कौम का दुश्मन नजर आ रहा था। भाई वो मुझे थोड़ा एलजेब्रा समझा देंगे प्लीज? बाद में समझा लो। ये क्या पहन रखा है? और ये तुम्हारा नाम? फातिमा? मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरी लाइफ कॉम के लिए, कॉम की जंग के लिए। पर तू तो कैथोलिक है। मैंने कन्वर्ट कर लिया है, अब से मैं तुम्हारी कॉम की हूँ। जंग के लिए मुंबई, रिक्रूटमेंट अप्लाई है। जंग के लिए अपने मुंबई में भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, देख लो। अपने मुंबई से ही चार और हैं, दो डॉक्टर्स, एक एमबीए और एक मैं। तुम? हाँ, हम सबको टीचर ने ही रिक्रूट किया है, और टीचर ने ये लेटेस्ट फोटोज भेजे हैं। मैं निकल रही हूँ कल सुबह। कहाँ? कश्मीर, और वहां से उस पार जंग के लिए। तुम चलोगे? यस। टीचर नाम का एक शख्स jangecom.com साइट से रिक्रूटमेंट किया करता था। उस वक्त मुझे सिंथिया की असलियत तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। फिर मुझे माफ कर देना मम्मी, माफ कर देना रुकी। सिंथिया, क्यों चैट रूम की फोटो से शक्ल नहीं मिलती है? इनसे मिल, ये है आरिफ और ये मकसूद।
तुम्हें याद है एक बार चैट रूम में मिले थे? हाँ, तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स। कुछ यही समझ लो, ये दोनों भी हमारे साथ कॉम के लिए हैं। चले चलो। मतलब तुम इन दोनों के साथ भी टच में थी? नहीं, डोंट बी जेलस, जल्दी करो, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। चलो। दो दिन की ट्रेन जर्नी के बाद हम कश्मीर पहुंचे। वहां से पहाड़ों की ओर बढ़ गए। घाटी और जंगलों के रास्ते हम कैंप की तरफ जा रहे थे। ताजुब की बात थी, सिंधे को सब रास्ते मालूम थे। पूछने पर बताया, मैंने सारी रिसर्च कर रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हौसलेमंद कौमियों का कमांडर मुबारक बेग का इस्तकबाल, शहीदी के लिए तैयार। ऐसा नहीं, बुलंदी के साथ, सख्ती के साथ। तैयार तैयार तैयार, सब तैयार तैयार। तो कल से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू। ये जगह, ये जमीन जंग की लड़ाई के लिए है। कमजोर जिगर वालों की कोई जगह नहीं है। ये दुनिया हमारे कौम की दुश्मन बन गई है, हमारे कौम पर जुल्म कर रही है। इन दुश्मनों को, इन जुल्म करने वालों को नेस्तनाबूद करना है कि नहीं? करना है। तो कल से तुम सब की ट्रेनिंग शुरू। जी जनाब। अगले ही रोज से ट्रेनिंग शुरू हो गई। जैसा ट्रेनिंग के बारे में सुना था, ट्रेनिंग बिल्कुल वैसी ही थी। कईयों के तो पसीने छूट गए। कितना धीरे हाथ चलाते रहे तुम हिंदुस्तानी निकम्मे, तेज तेज हाथ चलाओ। मैंने खुद को ट्रेनिंग में पूरी तरह झोंक दिया था, पर कैंप में हिंदुस्तानी लड़कों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था और मुझे ये देखकर बहुत दुख होता था। लेकिन सिंधिया को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और इस सब के बीच हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई। तुम्हारा इनाम लो इसे, ये तुम्हारे काम आएगी। और याद रहे, हर जंगी को घर फोन करने का एक मौका जरूर मिलेगा। अम्मी रोएगी, अब्बू दुहाई देगा, बहन चिल्लाएगी, लेकिन याद रहे, गांव से बढ़कर, जंग से बढ़कर कुछ नहीं। और जो शहीद होगा उसे जन्नत मिलेगी, जन्नत। कौमी जंग जिंदाबाद, कौमी जंग जिंदाबाद। कौन बोल रहा है? सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ है तू? कहाँ चला गया तू अपनी अम्मी को छोड़कर बेटा? जंग के लिए निकल रहा हूँ मम्मी। कौन सी जंग? कौम की जंग अम्मी। किसी कौम? कौन सी कौम? क्या बोले जा रहा है तू? मुझे माफ कर देना अम्मी, अब तो जन्नत में ही मुलाकात होगी।
समीर, कमांडो बहुत खुश है तुमसे। एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपनों का शिकार इंतकाम, नफरत या किसी बदनीयत से करता है। समीर ऐसे ही वहशियों के बीच जा पहुंचा था। कौम के लिए जंग के बहकावे में आकर वो अपराध करने जा रहा था। इस पूरे खेल के पीछे की सच्चाई से वो अब तक अनजान था और उसके सामने था उसका पहला मिशन। सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, मुझे गोली लगी। तुम जल्दी से किसी को भेजो वरना मैं मर जाऊंगा। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम जंगल के रास्ते कैंप में पहुंचो। और हाँ, अब मैं सिंथिया नहीं, फातिमा हूँ। और हाँ, किसी भी कीमत पे हिंदुस्तानी फौज के हाथों जिंदा मत पकड़े जाना, समझ गए तुम? ओवर एंड आउट। सिंथिया पर हिम्मत जवाब दे गई तेरी, हट गई हिंदुस्तानी चूजा। हथियार ले लो इसका। नहीं जनाब, जनाब मेरी सिर्फ टांग पे लगी, अब अगली बार देखना। और उस गाड़ी में मासूम बच्चा था जनाब। हट साला, हमारी कौम पर जुल्म हो रहा है। वो बच्चा कल सांप बनकर हमारे कौम का दुश्मन बनेगा और ये जंगी कहता है उस मासूम पर गोली कैसे चलाएगा? कहां से पकड़ कर लाई हो इस हिंदुस्तानी पिल्ले को, कहां से? से कहो कि ये हिंदुस्तान को गाली देना बंद करे, वरना मैं किसी और को मार सकूं ना सकूं, इससे जरूर मारूंगा। Shut up, समीर! Shut up! कमांडर बात बात पे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को गालियां दे रहा था, ये सुनकर मेरा खून खौल जाता था सर। मुझे लगने लगा कि वहां कुछ गड़बड़ है, ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे समझने में कुछ भूल हुई है, लेकिन सच्चाई तो अब सामने आनी थी सर। आरिफ, ये सब कैसे? जनाब ने मेरे साथियों के साथ मुझे अलग जाने के लिए बोला। हिंदुस्तानी फौज ने बारूद से पूरा जिस्म सुलगा दिया। डॉक्टर, 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 डॉक्टर नहीं है, मैं यहाँ पे इस रोज के सिवा और कुछ नसीब नहीं हुआ, पानी भी नहीं। अम्मी, वो कुछ छोड़कर क्यों आया? मैं सिंथिया से कहता हूँ, वही लाई थी ना मैं। सिंथिया? सिंथिया कौन?
फातिमा? कौन कौन फातिमा भाई? तू अब तक नहीं पहचाना उसे? वो हमारे साथ नहीं है। हिंदुस्तानी लड़के डरपोक होते हैं, कमजोर होते हैं, इनमें जिगरा नहीं, किसी काम के नहीं है ये। आप फिक्र मत कीजिए जनाब, अगली खेप में शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और रही बात इन चूजों की, तो इन्हें सुसाइड बॉम्बर बना देते, जंग में काम आएंगे। ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन में पैसा लगता है और पैसा कम पड़ रहा है, बहुत खर्चा होता है। हेडक्वार्टर से पैसा आया? जी जनाब, बारामूला के ऑपरेशन के पैसे आए हैं। ये लो फातिमा, ये तुम्हारा हिस्सा है। शुक्रिया जनाब। लेकिन याद रहे, अगली बार लड़के सही होने चाहिए। जी जरूर। कौम के लिए जंग जरूरी है, कौम खतरे में है, जंग जरूरी। सिंथिया मैथ्यूज, सिंथिया नहीं फातिमा थी, फातिमा ने टीचर भी वही थी। क्या झांसा दिया उसने मुझे, जंग कौम ये मकसद सही थे तो झूठ का सहारा क्यों लिया? क्योंकि सच तो ये था कि मकसद और उससे जुड़े लोग दोनों गलत थे, खुदगर्ज थे और वैश्य थे। तू है ना, तुझे हमारे कौम के खिलाफ लिखने की सजा मिलेगी। खुदा के वास्ते रहम करो, हम भी तो तुम्हारी कौम के हैं। नहीं बिरादर, तू हमारी नस्ल का नहीं, तेरी नस्ल गद्दार है। अल्लाह के वास्ते रहम करो। गद्दार है तू? नहीं, नहीं। तू हमारे कौम का दुश्मन है। रहम करो। चलो चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये गलत है। खुदा के वास्ते इन्हें छोड़ दीजिए भाईजान, ये हमारी कौम के खिलाफ है, ऐसा मत करो। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज भाईजान। मासूम कमजोर लाचार लोगों पर तुम, क्या यही जंग है कौम और मजहब का? क्या यही मकसद और मतलब है? जनाब फौज आ रही है, जनाब सबको निकलना पड़ेगा। क्या क्या पक रहे हो? कौन है वो गद्दार? जनाब ये नहीं पता। सब सामान निकालो, निकलो यहाँ से। जनाब लेकिन कैंपेन में जो बीमार लोग हैं उनके क्या करें? अरे मार डालो सबको। ठीक है जनाब, सामान निकालो, सामान निकालो जल्दी। चलो यहां से बाहर फोन किसने लगाया, किसने किया, तुम में से कौन है वो? तुम जनाब वो हिंदुस्तानी पिल्ला नहीं है। क्या? मुझे उस पर पहले से ही शक था। चाहे जाओ और जहां भी दिखे भेजे में दो गोली उतार कर आओ। जाओ। जी। उसके बाद मैं किसी तरह छुपते छिपाते बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए कई दिनों बाद मुंबई पहुंचा। पर मुझे क्या पता था यहाँ मुंबई में भी कमांडर का आदमी मेरी जान लेने का इंतजार कर रहा होगा। इसकी नजर मुझ पे पहले से ही थी सर। ये लोग हम जैसे साधारण और गरीब लोगों को ही टारगेट करते हैं। सिंथिया मैथ्यू, असली नाम नसीम फातिमा शादाब। 2007 से 2010 तक अबू धाबी के एक प्राइवेट फर्म में काम किया करती थी और आजकल ये आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट सेल को ऑपरेट कर रही है। हाँ सर, मैंने आपको बताया था ना, मुझे आरिफ और मकसूद को, हम तीनों को एक वेबसाइट के थ्रू ही रिक्रूट किया गया था, jangecom.com। जाहिर सी बात है इस साइट को काफी पहले से ऑपरेट किया जा रहा होगा, हमें इसे इंटरसेप्ट करना होगा। जंग में आज भी रिक्रूटमेंट जारी होगा। शिंदे सर, इस साइट का पता करो। ओके सर। समीर आलम, जाने अनजाने तुमसे गलती हुई है, इसके लिए
कानूनी कार्रवाई तो तुम पर जरूर होगी, लेकिन आज भी हमारे देश में, हमारे मुल्क में तुम्हारे जैसे कई नौजवान इन शैतानों के मंसूबों का शिकार हो रहे हैं, जिसे हमें रोकना है, और इसके लिए तुम्हें हम पुलिस वालों की मदद करनी होगी। मैं इन दरिंदों की गलत बातों में आ गया था, गुमराह हो गया था, मैं कौम और मजहब का मतलब ही नहीं समझ पाया, लेकिन देश से बड़ा जज्बा कोई नहीं होता सर। मैं आपकी मदद करूंगा, आपको मुझसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगा। देश से बड़ा कोई जज्बा नहीं, ये सच है, और ये भी सच है कि मासूमों पर जुल्म कोई मजहब नहीं। समीर मौत के मुंह से लौटा था, एक बहुत बड़ा सबक सीख कर आया था, लेकिन जिन लोगों की वजह से वो इस नफरत की आंधी में फंसा था वो अब भी आबाद थे, देश भर में घूम रहे थे, और समीर जैसे ही और भोले भाले नौजवानों को फंसाने की फिराक में थे। समीर के जरिए पुलिस को कुछ सुराग मिले थे, आगे का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उसके आखिर में रोशनी की एक किरण नजर आ रही थी। ये देखिए सर, jangecom.com बंद हो चुका है। वैसे भी किसी साइट को ज्यादा दिन तक ऑपरेट करना इन लोगों के लिए खतरे वाली बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट तो चल ही रही होगी। महेश इन आतंकवादियों के स्पॉन्सर्ड कई साइट हैं, इनमें जंग और कॉम को लेकर हमारे देश के युवाओं को भटकाने और बहकाने के इन्फॉर्मेशन होते हैं। इन्हें सर्च करो, टीचर को चेक करो, हो सकता है टीचर इधर उधर हो जाए, लेकिन मिलेगा कहीं ना कहीं जरूर। इससे पहले कि समीर जैसे कई और लड़के इनके हत्थे चढ़ जाएं, हमें इस टीचर साइट वालों की क्लास लेनी पड़ेगी। हमारी तफ्तीश के मुताबिक मुंबई में ये टीचर नहीं है, मतलब किसी दूसरे शहर से रिक्रूटमेंट की ताक में है। प्लीज प्लीज हेल्प कर दीजिए, प्लीज सुन भाई साहब, रुकिए ना भाई साहब मदद कीजिए भाई, रुको प्लीज 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 सर, देखिए तो सही सर। आइए मैम, प्लीज मैम, प्लीज थैंक यू सो मच मैम। ओह शिट, प्लीज थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा निखत, निखत नियाज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मार्गरेट, मार्गरेट मैथ्यूज। चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। आर यू स्टूडेंट? यस, फाइनल ईयर बीबीए। ओह वेरी नाइस, और आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। वैसे आई लाइक यू स्पिन, और बहुत पब्लिक माइंडेड हैं आप, वैसे आप लोगों के ही दम पे चलता है हमारा एनजीओ। आप आएंगे हमारे एनजीओ में? जरूर आऊंगी। मैम इस पेशेंट का बिल बन गया है, आप पेमेंट कर दीजिए। हाँ हाँ श्योर, दिखाइए आप। ओके नो प्रॉब्लम, मैं अभी पेमेंट करके आती हूँ। टीचर की तरकीब एक बार फिर से मंसूबे साध रही थी। नया नाम, नया हुलिया और नई इंटरनेट साइट के जरिए शहर लखनऊ में मार्गरेट उर्फ टीचर ने ना सिर्फ निकट को बल्कि दो और नौजवानों को अपने नापाक मकसद की ओर बरगला लिया। और फिर वो दिन भी आ गया जब पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड होने के बाद ये नौजवान किसी तथाकथित जंग के लिए तैयार हो गए। जंग जरूरी, कौम की सलामती के लिए, कौम के दुश्मनों को खत्म करने के लिए। हमें क्या करना चाहिए? तुम भी जंग में शामिल हो जाओ। पर मेरे अब्बू तो बोलते हैं कि कोई भी मजहब नफरत नहीं सिखाता। कौम के दुश्मनों का खात्मा जरूरी है, देखो ये तस्वीरें। मैं जंग के लिए तैयार हूँ। मैं भी। माजिद। मैं भी। हाय मार्गरेट, सॉरी फातिमा भी। ईमेल आया है टीचर से, मैं जंग पे जा रही हूँ। गुड, वेरी गुड, मैं ये फॉर्म भर चुकी हूँ, तुम भी भर दो। माजिद और अनवर भी जा रहे हैं। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। बस अभी तक एक ही रोटी खा रहे हैं आप, और चावल लीजिए थोड़े से। अरे नहीं नहीं, बस और नहीं भाई। फातिमा मुझे तुम्हारी तरह मेंटेन ही रहना है, खा के कद्दू नहीं बनना है। क्यों बेटा? अच्छा जी, आप तो पहले से ही वेल मेंटेन्ड हैं, आपको क्या जरूरत है? नहीं बेटा। अच्छा सुनिए,
मुझे एक दो रोज में निकलना है टूर पे। फिर से टूर? हमारे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं। तुम्हारे काम के चलते ही हम मुंबई शहर से यहाँ आ गए। अब यहाँ तो चैन से रहोगे। आपको पता है ना, मार्केटिंग में ऐसा ही होता है। मैं जाऊँ ना? ठीक है। सलीम, बेटा तुमने दाल क्यों नहीं खाई? नहीं, मुझे दाल नहीं पसंद। नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा, दाल में प्रोटीन होता है ना, फिर आप सुपर हीरो बन जाएंगे। ये लो, खाओ, शाबाश, गुड बॉय। एक रोटी भी, आ आ आ आ आ आ, गुड बॉय। कहाँ थी बेटा? तुम्हारे अबू कब से तुम्हें बुला रहे हैं? तुम्हारी चाय भी ठंडी हो रही है। आओ बेटा, बैठो बैठो, इधर बैठो। कैसी चल रही है तुम्हारी एमबीए एंट्रेंस की तैयारी? बेटा एक बात याद रखो, तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए, आईआईएम। मुझे नहीं करना आईआईएम से एमबीए। क्यों नहीं करनी? टफ है इसीलिए। अम्मी, कुछ नहीं रखा है इस मुल्क में। तो क्या अमेरिकन यूनिवर्सिटी की सोच रही है? नहीं नहीं अम्मी, मुझे यहीं रहना है और यहाँ रह के एक एक से हिसाब बराबर करना है, सबको सबक सिखाना है मुझे। ये क्या बकरी है, हिसाब बराबर सबक? हमारी कौम पे जुल्म हो रहे हैं अम्मी, हमारी कौम खतरे में है। कौन सी कौम बेटा? आप जान पूछ के अनजान बन रहे हैं। देखिए अपनी चारों तरफ दुनिया में क्या चल रहा है। सारी दुनिया में हमारी कौम के खिलाफ जंग छिड़ गई है, हमारे कौम के लोगों को मारा जा रहा है, मासूम बच्चे, औरतें। लेकिन अपने देश में तो नहीं हो रहा है, और अगर बाहर हो भी रहा है तो वो लोग मजहब के नाम पर बहका रहे हैं। नहीं अबू, पूरी दुनिया में हमारी कौम के खिलाफ जंग चल रही है। देखो, ये मजहब और ये कौम, ये सब जरिया है। सच तो ये है कि वो अपने फायदे के लिए दहशतगर्दी कर रहे हैं। नहीं अबू, आप गलत बोल रहे हो, यू आर रॉन्ग। देखो, मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अल्लामा इकबाल की वो पोएम तो तुम्हें याद होगी। कौन सी पोएम? वही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तान हमारा। मुझे नमाज के लिए लेट हो रहा है। तीन दिन बाद निकलना है। मैं रेडी हूँ। मैं भी। पर जाना कैसे है? आप सबके एयरलाइन टिकट्स न्यू ट्रेवल्स पर कल दोपहर 2 बजे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको आके पिकअप करना है। टीचर, आप भी वहाँ मिलेंगे ना? जंग के लिए सब तैयार? तैयार तैयार। मैं भी। अल्लाह हाफिज। कल दोपहर 2 बजे नूर ट्रेवल्स। कल ही पकड़ लेते हैं सबको। नहीं अमित, कल शायद टीचर नहीं आएगा क्योंकि उसने चैट का जवाब नहीं दिया। हो सकता है ये वही टीचर हो जिसकी हमें तलाश है। सर, हम इनको हिरासत में ले सकते हैं? नहीं अमित, अगर इनको हिरासत में लिया तो टीचर गायब हो जाएगा। हो ना हो वो भी यहीं कहीं है और इन पे नजर रखे हुए हैं। अम्मी, मैं और मेरे दोस्त अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अजमेर शरीफ? कब? कल जा रहे हैं। कब तक लौटेगी? अम्मी, जाते जाते ना मैं छोटा बैग ले जाऊंगी। अरे पर सुन तो, तैयार। सुबह की फ्लाइट है। पासपोर्ट और वीजा एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। मैं तो जंग पे जाने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। माजिद क्यों खामोश है? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा जी नहीं कर रहा, मैं अपने अम्मी अबू को छोड़ के नहीं जा सकता। क्या बात है माजिद, घर पे सब खैरियत, कोई प्रॉब्लम? नहीं टीचर, मैं नहीं जा सकता। आप टिकट वापस ले लो, नहीं जा सकता मैं। ओके ओके, रिलैक्स, कल मिलते हैं, मिल के बात करते हैं। पर मैं नहीं जाऊंगा। अरे मिल तो लो एक बार, फिर बात करते हैं। सब मिलो कल 3 बजे बुद्धा पार्क, ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके माजिद। ओके। सलाम अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजिद तो आ गए लेकिन टीचर नहीं आए अभी तक। आते ही होंगे। लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे? वो अपनी पहचान खुद बताएंगे। आपको कैसे पता? मुझे पता है। उन्हें पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब अभी बताता हूँ। हाँ आ जाइए। ये किसको कॉल किया तुमने? किसे बुलाया? टीचर को। टीचर को? हाँ। ये क्या बदतमीजी है? छोड़े मुझे। अभी बताता हूँ क्या बदतमीजी है। मिस मार्गरेट, सॉरी आपका नाम भूल गया मैं, मिस सिंथिया कि मिस फातिमा नूरानी, बहुत सारे तो नाम है आपके। एक और नाम ये इनका। अच्छा टीचर क्यों? पर पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही नाम है, माजिद फजल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस। एक मुसलमान हूं और एक सच्चा हिंदुस्तानी भी। ले चलो इन सबको। चलो चलो चलो। अरे बहुत भाग चुकी मिस फातिमा नूरानी, बस अब नहीं। अम्मी अम्मी पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने प्रॉक्सी साइट्स यानी कि आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही साइट्स की हूबहू नकल की साइट्स के जरिए गुमराह किए जा रहे नौजवानों का पता लगाया, उनकी धरपकड़ की। नौजवान पीढ़ी का मन गीली मिट्टी की तरह होता है और आतंकवादी सरगना, मजहब की गलत व्याख्या और कौम खतरे में है जैसी मनगढ़ंत बातों से नौजवान पीढ़ी को बरगलाते हैं और उन्हें हत्या और आतंकवाद की तरफ मोड़ देते हैं। इस सब के पीछे इन दरिंदों का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, उनकी खुदगर्जी होती है, लेकिन इसका खामियाजा इन मासूमों, इनके परिवारों और समाज को भुगतना पड़ता है। फातिमा नूरानी उर्फ सिंथिया उर्फ मार्गरेट पर NSA और पोटा के तहत कड़ी कार्रवाई की गई। समीर, मकसूद, निकत और अनवर, इन पर भी इसी कानून के तहत एक्शन लिया गया, लेकिन चूंकि उन्हें आतंकवाद की ओर जाने अनजाने बरगलाया गया था, कानून ने उनके प्रति नरमी का रवैया अपनाया और उनके रिहैबिलिटेशन की बात रखी। किसी भी मासूम की हत्या किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से सही नहीं है। और जहां तक मजहब का सवाल है तो मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।